नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको सीटी जी की जो सीटी है उसके कंसोल पे फिल्मिंग कैसे करनी है। सपोज करिए कि आपके पास वर्क स्टेशन नहीं है और आपको फिल्मिंग जो करनी है वो आपको जो कंसोल, जो सीटी का कंसोल है उसी के ऊपर करनी है, तो उस पर कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको उस चीज़ का थिन करना होगा, ठीक है। थिन बना लीजिए किसी भी, जो मान लीजिए कि जो भी पेशेंट है उसका थिन करिए। थिन रिकॉन कैसे करना है उसका एक वीडियो हमने अलग से डाला हुआ है, इसके ऊपर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो थिन सीरीज लीजिए, उसको आपने रिफॉर्मेट पे लोड कर लीजिए। तो जैसे ये पेशेंट है एक हमारा, तो इसके अंदर 451 इमेजेज हैं, उसको हमने रिफॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और ये आपका रिफॉर्मेट में डाउनलोड हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसी से ही हम अब फिल्मिंग कैसे करनी है वो बताते हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले तो आपको जो इधर जाइए, ये जो एक्जेल है इस पर राइट क्लिक करिए, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ऑप्शंस मिलेंगे, ये सब ओब्लिक कर लीजिए सेलेक्ट। अब आप ये कहेंगे कि ओब्लिक क्यों करना है, एक्जेल पे भी कर सकते थे। दोस्तों ओब्लिक इसलिए करेंगे, एक तो हम इसको सपोज करिए कि आपका ये एसिमेट्रिक है, पेशेंट टेढ़ा मेढ़ा लेटा हुआ है, तो आप उसको यहीं से ही सिमेट्रिक कर सकते हैं, ठीक है, ये बेनिफिट होगा। दूसरा, जितना स्लाइस आपको चाहिए वहीं से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए, इसको आप थोड़ा सा एंगल देके सिमेट्रिक कर सकते हैं अगर आपको लगता है। जैसे ये राइट का जो लंग है वो थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, लेफ्ट का कम दिख रहा है, तो इसी तरह से आप इसको सिमेट्रिक कर लीजिए, ठीक है। पूरा एक साथ शुरू होना चाहिए दोनों तरफ का लंग, जैसे ये है, ठीक है, ये हो गया। अब आप आइए इसके अंदर बैच के अंदर, तो ये बैच फिल्मिंग जो है इस वाले ऑप्शन को इस पे लेफ्ट माउस से क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पे आपको कुछ इस तरह का ये मिलेगा आपको। तो इसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं, दो तरह से आप बना सकते हो, हम आपको थोड़ा दूसरे तरीके से बताएंगे, ठीक है, लूप वाले से। अब ये तो देखिए बैच वाला जो था ये तो ओब्लिक वाला है, ये हम लूप से, लूप पे क्लिक करिए। लूप पे क्लिक किया, आप लूप पे क्लिक किया, अब जहाँ से जिस भी तरह का आप बनाना चाहते हैं, सपोज करो कि अब आप एक्जेल में बनाना है तो आपने शुरू कहाँ से करना है, ये यहाँ से स्टार्ट किया, ये वाली इमेज लेके आए स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्टार्ट पॉइंट है, स्टार्ट पे क्लिक करिए, आप वापस जाइए इधर एक्जेल पे, और कहाँ तक चाहिए, यहाँ से शुरू किया, और यहाँ पे आपने आके एंड कर दिए जी, तो यहाँ पे सेट एंड, ठीक है। अब देखिए जो आप कह रहे थे कि ओब्लिक ही क्यों चाहिए, ये क्यों चाहिए, तो अब देखिए टोटल जो नंबर ऑफ इमेज है वो 694 बन रही है इसके अंदर, जहाँ से स्टार्ट किया था और जहाँ पे एंड किया था। 0.78 mm इंटरवल, स्पेस इंटरवल बिटवीन इमेज टू इमेज, ओके। तो अब हमको चाहिए, सपोज करिए कि 104 इमेज चाहिए, क्योंकि चेस्ट और अब्डोमेन है, तो ये हमने कर दिया, और साथ के साथ यहाँ पे आइए, ये ऑप्शन देखिए, आप यहाँ से सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, सेव और प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेव करिए, सेव करना ज़्यादा बेटर रहेगा, साथ के साथ आप यहाँ पे डायरेक्ट सेव कर सकते हो और प्रिंट प्रीव्यू भी कर सकते हो, प्रीव्यू करके देखिए आप, ये पेशेंट ने सांस रोका नहीं अच्छे से, ये मोशन आर्टिफैक्ट उस चीज़ के, ठीक है। तो ये देखो, ये दिखा रहा है कि कहाँ से कहाँ तक, ये ठीक है। तो इसको हम करेंगे यहाँ पे क्लोज, ठीक है, क्लोज हो गया। अब हम कर देते हैं इसको सेव,
ठीक है दोस्तों, अब हो गया है आपका ये सेव। अब हम क्या करेंगे कि अब हम देखेंगे कि जो हमने 104 इमेज बनाई है वो कहाँ पे बनी है। इसको यहाँ से एग्जिट कर दीजिए, यस। और ये देखिए कितनी इमेज है, रिफॉर्मेट 104। अब ये 104 है, इसको आपने वीवर के अंदर डालिए, ठीक है। ये आपका आ गया है 104 इमेज जो है चेस्ट और अब्डोमेन की वीवर में, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिल्म कंपोजर में जाएंगे। फिल्म कंपोजर में जाइए। अब जैसा कि आपको पता है कि देखिए कंसोल पे एक लिमिटेड आपको पैरामीटर मिलते हैं या लिमिटेड आपको फॉर्मेट्स मिलते हैं फिल्मिंग करने के लिए, तो मैक्सिमम जो है इसके अंदर ये वाला है 1 2 3 4 5 6 6 × 6 36 इमेज, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से ऊपर गए, ठीक है, एक नंबर से। अब हमने क्या करना है, कीबोर्ड से F1 प्रेस करना है, ठीक है। F1 प्रेस करिए, F1 प्रेस करेंगे वो इमेज उसके अंदर चली जाएगी। देखिए ये इमेज आ गई है। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि आपको जो इमेज जो है वो पहले ही सेलेक्ट करनी पड़ेगी, उसकी FOV वगैरह पहले ही सेट करनी पड़ेगी कि कितनी FOV रखनी है, कितनी इमेज की वो रखनी है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, इसको क्लियर करिए, क्लियर हो गया। अब हम इसको जूम करेंगे यहाँ से, ठीक है, थोड़ा जूम कर लीजिए क्योंकि बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा इसके अंदर। तो हम इसको जूम करेंगे, जूम करेंगे और साथ के साथ इसके अंदर आप जो अगर रेफरेंस इमेज भी अगर आप देना चाहते हो तो आपने क्या करना है, रेफरेंस इमेज देने के लिए यहाँ पे जाइए, ये रहा रेफरेंस इमेज आपने ऑन कर देनी है। तो इस तरह से आपको एक कॉर्नर के अंदर ये रेफरेंस इमेज भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए अभी हम आपको इसका पूरा, क्योंकि देखिए फॉर्मेट तो आपको कितना मिल रहा है यहाँ पे 36 का मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, F1 प्रेस करेंगे और इसको पेज डाउन करेंगे, ठीक है। चलो रेफरेंस इमेज जो रहने देते हैं। हाँ एक चीज और हम आपको बता देते हैं, चलिए, कि स्कैनो के ऊपर आपने रेफरेंस इमेज कैसे लेके आनी है, क्योंकि आप इस स्कैनो के ऊपर देंगे तो ज्यादा, तो उसके लिए XR Space NO XR Enter। देखिए इसके लिए क्या करेंगे कि जो आपकी जो सीरीज है ये कमांड होती है एक मैनुअली XR Space, यहाँ पे आइए XR Space, जैसे ये 6 नंबर है, 6 नंबर पे आपने पूरा ऊपर से नीचे तक काटा था, स्लाइस लिए थे, तो वो आपने XR Space इंटर करेंगे, ठीक है। कहाँ पे लिखना है वो नीचे आइए, जो ये जो है यहाँ पे XR Space 6 और क्या किया, इंटर कर दीजिए, XR Space 4, ठीक है। तो ये आपका पूरा देखिए ये रेफरेंस इमेज इसके ऊपर आ गई है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको F1 दबा के इस इमेज को लेके आइए, ये आ गई आपकी रेफरेंस इमेज। अब क्या करेंगे, ब्राउजर में वापस जाएंगे और जो आपने
बैच इमेजेस बनाई थी वो 104 उसको डाउनलोड कर लेंगे वीवर में, ठीक है। बीच में लेके आइए, जूम कर लीजिए थोड़ा, और इसके बाद F1, ठीक है, ऐसे। तो पेज फुल हो गया है। अब आपने क्या करना है इसके अंदर, आप देखिए ये कंसोल पे क्या है कि लिमिटेड चीजें ही होती है। अब आपने यहां से इसको प्रिंट देना है, ठीक है। प्रिंट कमांड पे क्लिक करेंगे, प्रिंट चला जाएगा। उसके बाद इसको पेज को क्लियर कर दीजिए। नेक्स्ट जो है यहाँ से यहाँ तक के जो 43 तक की दे चुके हैं, नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखो वर्क स्टेशन नहीं है तो आपको फिर ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज और है कि सोच करो कि आपको ये 4 में भी दे सकते हो, तो इसको फॉर्मेट को 4 कर लीजिए। ये 4 हो गया। उसके बाद आपने F3 दबाइए। ये 4 इमेज आपकी, ये देखिए, एक ही इसके अंदर चली गई है, ठीक है, 4 जो इमेज है। इसी तरह से आप बाकी, आप इसको आगे पीछे करके और ये इमेज कर सकते हैं। 4 किया, फिनिश, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आपका फिल्मिंग का तरीका, कि रिकॉन जो है उस रिकॉन से आपने कैसे फिल्मिंग करनी है, ठीक है। साथ के साथ आप यहीं पे ही कुछ एनोटेशन अगर इस पे इमेज पे देना चाहते हो, डायलेटेड यूट्रस, ठीक है, ऐसा कुछ लिख के देना चाहते हो, सॉरी, तो ऐसे आप इसको ऐसे छोड़ेंगे तो ये अलग से हाईलाइट होगा, अगर इस पे क्लिक करके देंगे तो ये ऐसे दिखाई देगा। F1 दबाइए, वो यहाँ पे चला गया जो आपने एनोटेशन दिया, ठीक है। ये एनोटेशन दे सकते हो, साथ में कोई मेजरमेंट अगर देना चाहते हो आप यहाँ पे, तो मेजरमेंट भी यहाँ पे इस तरह से आप दे सकते हो, दिखा सकते हो। तो ये हो गया मेजरमेंट। मेजरमेंट देने के बाद में नीचे देखो ये सब मेजरमेंट दिखाई दे रहे हैं। F1 दबा दीजिए, ये चला जाएगा इसके अंदर, इमेज सेव हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये है रहा आपका जीही के जितने भी सीटी हैं, सीटी कंसोल से फिल्मिंग कैसे करनी है उसका वीडियो, ठीक है। इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई डाउट हो, तो आप अपना सवाल, अपना डाउट जो भी है कमेंट्स बॉक्स में छोड़ दीजिए। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद।